ओवर बजट है, प्रो ग्रोथ बजट है। जन जन की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जन धन से लेकर के जन कल्याण तक का पूरा मार्ग प्रशस्त किया गया है। एक तरफ राज्यों को सक्षम बनाना, दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को बल देना, एससी एसटी ओबीसी दलित पीड़ित शोषित जो पीछे रह गए हैं उनको विशेष बल देना, जिन मनरेगा की बड़ी चर्चा होती थी, इतने सालों में मनरेगा में पहली बार गांव के गरीब को रोजी रोटी मिले, इसलिए सर्वाधिक धनराशि गरीबों के रोजगार के लिए लगाई गई है। हमारे देश के छोटे छोटे व्यापारी रेकड़ी चलाते होंगे, सब्जी बेचते होंगे, कपड़े की फेरी करते होंगे, उनको धन प्राप्त करने के लिए बैंक हाथ ऊपर कर देती है, उनको पैसा मिलता नहीं है। उनके लिए धन राशि सरलता से मिले, जितनी चाहिए उतनी मिले, उसके लिए मुद्रा की एक अलग योजना हमने प्रस्तुत की है जो आने वाले दिनों में उनको काम आने वाली है। इस बजट में काले धन के संबंध में हमारी क्या सोच है, हमारा क्या कमिटमेंट है, इसको पूरी तरह हमने देश के सामने रखा है। अब काला धन वालों का खैर नहीं है, सिवाय जेल अब उनके नसीब में कुछ नहीं है। नया कानून हम ला रहे हैं और आज बहुत विस्तार से काले धन के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई करने की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। साथ साथ अब काला धन नया तैयार ना हो उसके लिए भी बेनामी ट्रांजैक्शन का जो कारोबार चलता है उसके खिलाफ भी कानून ला रहे हैं। बजट निवेश बढ़ाने वाला भी होना चाहिए, हमारी आर्थिक क्षमताओं को मजबूत बनाने वाला होना चाहिए। इस बजट की सारी योजनाएं निवेश को बढ़ावा देने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने वाली है और सामान्य मानवीय के सपनों को पूरा करने वाली, और मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर जुटाने वाला यह बजट है। इस बजट में सामान्य मानवीय के लिए इतनी सारी योजनाएं लगाई है, चाहे वो आकस्मिक बीमा की बात हो, जीवन बीमा की बात हो, पेंशन की बात हो, हमारे नौजवानों को पढ़ने के लिए कॉलेज में जो खर्च होता है उसके लिए बैंक में इजिली लोन की व्यवस्था हो, एक के बाद एक सुचारू रूप से व्यवस्थाएं विकसित की है। और सबसे बड़ी बात, खास करके मेरे किसान भाई बहन, खास करके मेरे गरीब भाई बहन, जो जिनको अपने बुढ़ापे की चिंता है, हिंदुस्तान के हर गरीब से गरीब भी, किसान को भी, खेत मजदूर को भी, बुढ़ापे में जब काम करने की स्थिति न रहे उसको पेंशन मिले, ऐसी एक योजना हमने रखी है। पहली बार इस देश में हर नागरिक पेंशन के अंदर कोई न कोई लाभ लेगा, ऐसा एक बहुत बड़ा भगीरथ काम इस बजट के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं मेरे मित्र और साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को गरीबों के लिए, ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, सामान्य से सामान्य मानवी को नए उमंग और उत्साह के साथ नई चीजों करने के लिए प्रेरित करने वाला बजट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं देशवासी, मुझे विश्वास है ये बजट आने वाले दिनों में हमें और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक अवसर प्रदान करेगा। आई मुफ्ती मोहम्मद साहिब डू सीवियर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बियर ट्रू फेथ and allegiance to the Constitution of India in a sub-state as by law established.